हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों मेरे चैनल में स्वागत है। और ये साड़ी आज कॉटन का पहने हुए हैं ताकि बहुत सिवान में गर्मी है और गर्मी की वजह से मन एकदम ही हो गया है, सर भी बहुत भारी लग रहा है। तो अभी तो कपड़ा उपड़ा डाल के आए हैं धो के, और यहाँ रूम आज संडे है तो क्या सफाई करना, बेड चेंज हो गया है, बेडशीट बिछा दिए नो, और ये सब थोड़ा सा ठीक हुआ है लेकिन सारा भर के है। जब तक रूम का काम नहीं ख़त्म होता है, जब नहीं अच्छा से बन जाता है तब तक सब इसी तरह रहेगा। हमको भी करने का मन नहीं कर रहा है ये सब सजाने जाने का, जब सब फिनिशिंग हो जाएगा उसके बाद सब अच्छे से होगा। और कल फ्रिज आया है फ्रेंड्स का, वहाँ पे लगा है रंजना के मायके से, और यहाँ छोटकी बैठी है। आज ये कपड़ा बोल दो गुड मॉर्निंग, तो यहाँ पे ये छोटकी है, आज छुट्टी है, इसका सब ड्रेस धुला गया है और धूप में भी डला गया है तो अच्छा लगता है। छोटे बच्चे से तो हमको बहुत लगाव रहता है। और सो गाइस, तो देखिए इसका ड्रेस, तुमको कैसा लग रहा है ड्रेस? अच्छा लग रहा है। कौन मंगाया है? आप मंगाइए। तो देखिए गाइस, इसका मस्त ड्रेस लग रहा है। अब नहीं लग रही है ना कि वहाँ की है सृष्टि, और ये बहुरानी आ गई है। अरे यहाँ चटनी इसमें मिर्चा डाला था, लाल ई ना हरा मिर्चा वाला खाते हैं, नहीं लाल डालना पसंद नहीं आएगा, एक थोड़ा डाला जाता है कलर के लिए। आज ब्लैक, हम ब्लैक खा लेंगे, हम खा लो तो खा के दिखाओ, तू भी खाती है? खा लेगी, खा लेगी, चलो इसी बात पर, लेकिन नहीं इसी बात पर नाक से कल पानी पूरी बहुत खाती है, हम इतना ज्यादा खा ली है मेरे नाक से ब्लड आने लग गया। वहाँ जा रही है स्कूल में तोड़ कर मत खाना। हम ना वहाँ नहीं खाए थे, वहीं से लाए थे, एक ही लाए थे वो भी रहने के लिए। हम जा रहे हैं सतुआ खाने, सतुआ चटनी अच्छा लगेगा। तो चलो सो गाइस, तो यहाँ सृष्टि गई थी आज स्कूल, तो इसका आज वहाँ पे क्यूज हुआ है स्कूल में, और वहाँ पे गाना गवाया गया है इससे, तो इसका आप लोगों को सुना रहे हैं कि कैसे गाना गाई है। तो चलो गाओ। ये हमने सोच रखा था मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम, तुम्हारे मस्त आँखों पे तुम्हारे कैसे हाल कर डाला, ये दिल चीज क्या है मस्त हो गया। यहाँ पे फ्रिज आ गया है, रंजना कहा था मिला था, हेवेंस कहा ना हेवेंस कहा है, हायर का है। हाँ चक्का है उसका, लगाओ इसके लिए स्टैंड लिया दलो, इसका वॉशिंग मशीन का वो भी डगड़ के चल जाए। रंजना के घर से आया था गिफ्ट में फ्रिज, और फ्रिज का हम लोग ओपनिंग नहीं किए थे, इतना दिन से रखे हुए थे, तो अभी सोचे कि गर्मी का काफी समय है कि इस समय सारा ये सामान निकाल के बाहर रखाया हुआ है। और वहाँ जो फ्रिज था वो पहले मनीषा के घर का था, तो वहाँ का फ्रिज जा रहा है स्कूल पे, और ये फ्रिज यहाँ रह रहा है, चूँकि बड़ा है तो यहाँ सब सामान साग सब्जी सब कुछ अंट जाएगा इसमें, उसमें पानी केवल रखना है और कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखेगा लो तो अच्छा है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि कैसा है, जाके दिखा दीजिए सब। So guys, तो ये बैठ नहीं रहा है और काफी बड़ा हो जा रहा है, इसकी वजह से ये सेटिंग किया जा रहा है। चौकी खींचो, आराम से रखिए, इसी पर रख दो लो बाबू, थर्मोकोल पे नहीं, आप थर्मोकोल पर ना रखाइए।
चलिए अब लाइट जलेगा, पकड़िए इसको उधर से, किधर से? हाँ प्रिंस को पानी पीने के लिए मिला है हमको, तो भाई इसको ले जाना था स्कूल, रंजना के लिए मिला है, तुम कहाँ ले जाएगा ताकि सारा बच्चा सब पिए कम से कम। देखो लाइन मारी तो ये इस तरह का है, डबल डोर बैक कर, पीछे कर लीजिए तरह। और उधर से अटैक करो, खोलो उधर है। हाँ तो आ भी सकते हो, और आगे भी उधर आने तो हो गया। अरे इधर एक पीछे रख दो, वन चौकी पीछे रख दो, कुछ दिखा रहा है यहाँ पे, टेम्परेचर आ गया, आइए जल्दी अंदर। वन टू थ्री तो यहाँ पे देखिए गाइस कितना खूबसूरत लग रहा है, ये यहाँ पे इसका टेम्परेचर दिखा रहा है, और ये सब रखने वाला है क्या, साग सब्जी? साग सब्जी तो इसमें रखा है। अच्छा इसको जो बनाना है आप बना सकते हैं, जितना सेटिंग करना है वो कर सकते हैं। ये पूरा ट्रक टाइट से क्या हुआ, कट गया, लाइट कट गया, तो इसमें पानी रखेगा लो तो। रंजना रंजना नहीं कटा है, सब निकालना पड़ेगा इसका, अलग अलग नाम लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है कि फ्रूट वाला बॉक्स, ये चलता है गाइस, वो सब फ्रूट का है, लो तो ना निकालो, तो कैसे निकालिएगा, पैक है, निकालो तो उसको पहले निकालो, ऊपर वाला हैंडल सब निकालना पड़ेगा, सब जगह पे ऐसा भी निकालना पड़ेगा, और बोतल लगा रख, बोतल उसमें नहीं रखाएगा, बोला देख लो फ्रिज कैसे काम करता है बताइए, ये सेट अभी कहाँ हुआ है, लाइट तो जल रहा है, पीछे वो लग चुका है। कितना डिग्री पर रखना है उसको, रखो तो सब टम 5 डिग्री पे रहेगा, ज्यादा कुल मत कर देना, और नीचे वाला फिर का भी नीचे वाला देखो निकालो ना, ये सब वो करना पड़ेगा, इसमें है वो तो जानते हैं, नीचे का कैसे होगा, हाँ उसी तरह का आइस का है दिया है, उसमें तुम चाहेगा तो पूरा रख, तो नीचे का कैसे कन्वर्ट होगा, अच्छा इसका वो तो आते वो खुद सेट कर देते हैं, आते हैं लोग तो उसका सेट करेंगे, इसमें लिखा होगा सब, हाँ यूट्यूब से हो जाएगा। पन तो यहाँ पर खा रहे हैं पकौड़ी और चाय, इनका फेवरेट है पकौड़ी चाय, ज़्यादा काम कर दिया है इसीलिए खाना पड़ रहा है ना, खाना पड़ रहा है, चाय पकौड़ी पे आपका चल रहा है। और यहाँ पर मनीषा झाड़ू लगाते हुए आप लोग देख सकते हैं कि पूरे रूम में एकदम भर गया है, पता नहीं कैसे हम लोग रहेंगे, मनीषा को एकदम वो बना दिया गया है, मकरानी नहीं बोल रहा, महारानी, घर का असली राज करने वाली तुम्ही को बनाया गया है। अरे हाँ गैस, कोई कोई कमेंट कर रहा था कि मनीषा का फ्रिज आप क्यों बाहर कर दी हैं, तो एक स्कूल में, हमारा दो स्कूल है खालिसपुर में है और एक यहाँ है सिवान में, तो सिवान वाले ब्रांच में नहीं था फ्रिज, और इस समय गर्म पानी हो जा रहा है पीने के लिए, तो बच्चे लोग के लिए या स्टाफ के लिए उसमें रखना ज़रूरी रहता है, इसलिए ये लोग बोल रहे थे इसी फ्रिज को ले जाने के लिए, तो हम नहीं जाने दिए, हम लेकिन नहीं बड़ा है ये, तो घर में साग सब्जी या फल फ्रूट या पानी वगैरह जो भी रखना होगा तो अच्छा रहेगा, और वो फ्रिज में क्या है कि पानी ही यूज करना है, कोल्ड ड्रिंक पानी, तो उसके लिए वो सही है, इसलिए उसको हम भेज दिए, वो भी फ्रिज अच्छा था, 4 साल से तो हम लोग यूज कर रहे थे उसको,
लेकिन बढ़िया था फ्रिज, तो इसीलिए वो गया है। और एक 1996 में हमको एक फ्रिज मिला था, तो वो फ्रिज हम रखे हैं गांव पे, जो कि हम लोग को गिफ्ट में मिला था वो फ्रिज, तो वो हमारे गांव पे है ससुराल में, वहाँ रखे हैं फ्रिज। तो यही है, इसी की वजह से ये फ्रिज यहाँ आया और उसका वहाँ चला गया। तो आप लोग ऐसा कुछ नहीं है, और देखते हैं कल हो सकता है कि कहीं हम लोग पूरे फैमिली जाएंगे, तो आप लोगों को मिलेगा देखने के लिए कि फैमिली में सारे लोग ही जाएंगे, प्रिंस, रंजना, मनीषा, सचिन, हम लोग जाएंगे, तो आप लोगों को मिलेगा देखने के लिए कि कहाँ जा रहे हैं लोग और वहाँ पर क्या हो रहा है, किस लिए जा रहे हैं लोग, वो सब आप लोगों को मिलेगा कल, आज तो नहीं, कल मिलेगा। तो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सब्सक्राइब कीजिए, खूब ज़रा प्यार